तो चलिए आज जानते हैं क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन और ये बनती कैसे है। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है और अन्य गैस, नमी, धूल आदि अशुद्धियाँ नहीं होती। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% अन्य गैस मौजूद होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नियोन, जीनोन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसमें हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर की मदद में इसमें से अशुद्धियाँ निकाल दी जाती हैं। अब फिल्टर हुई हवा को ठंडा करने के बाद डिस्टिल किया जाता है जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसों से आसानी से अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हवा में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड में तब्दील हो जाती है और इसे स्टोर किया जाता है। इस स्टोर की जाने वाली ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। तैयार की गई मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर किया जाता है। बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों, इसके बाद इसे कैप्सूल के आकार के में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर और अस्पतालों तक पहुँचाया जाता है। अस्पतालों द्वारा इन टैंकरों को मरीजों के पास पहुँचा रहे पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।